इस वीडियो में हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंट्राडे स्टॉक्स का सिलेक्शन करने वाले हैं। इसके साथ हम मार्केट के ट्रेंड को भी डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में यूज किए गए ट्रेड सेटअप को सिर्फ इंट्राडे स्टॉक्स को पिक करने के लिए यूज किया गया है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तब आपको नीचे दिए गए वीडियोस को जरूर रेफर कर लेना चाहिए। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। करंटली हम डाउ 30, S&P 500 और नैस्टैक में लगभग 1% का एक डाउनसाइड को देख सकते हैं, जिस वजह से कल भी हमें इंडियन मार्केट्स में ये डाउनसाइड कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे तीन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें कल आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज हमें स्टॉक में लगभग 3.85% का एक डाउनसाइड देखने को मिला। इसने 1200 के लेवल्स पे इंट्राडे लो बनाने के बाद 1206 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। करंटली हम इसके वीबा लेवल्स को इसके क्लोजिंग से काफी ऊपर के लेवल पे देख सकते हैं। इस वजह से कल हमें इस स्टॉक में एक डाउनसाइड फिर से देखने को मिल सकता है और हम इसके ऑर्डर बुक में भी 45,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स को देख पा रहे हैं। इसके स्टॉक फ्यूचर्स में हमें करंटली सेलर साइड में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कल ये स्टॉक आपको गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके टेक्निकल चार्ट में हम इसके मेजर ईएमएल लेवल्स और बीवाप लेवल्स पे एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसडी इंडिकेटर में भी एक स्ट्रॉन्ग बियरिश क्रॉसओवर को भी फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं, जिस वजह से कल आप इस स्टॉक को सेल साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे लिस्ट में जो स्टॉक है वो है टाइटन कंपनी। आज हमें स्टॉक में लगभग 4.23% का डाउनसाइड देखने को मिला है। इसने 1050 के लेवल के आसपास अपना लो बनाने के बाद 1059 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके वीबा लेवल्स को भी हम इसके क्लोजिंग से काफी ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा हम इसके स्टॉक फ्यूचर्स में सेलर साइड में काफी ज्यादा वॉल्यूम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस वजह से कल आपको इस स्टॉक में एक फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। इसके टेक्निकल चार्ट में हम इसके मेजर ईएमएल लेवल्स और बीवा लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर को फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं और इसमें भी हमें वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसडी इंडिकेटर में एक स्ट्रॉन्ग बियरिश क्रॉसओवर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कल आप इस स्टॉक को सेल साइड के लिए अपना वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। फाइनल स्टॉक कैनरा बैंक है, जो कि एक पीएसयू बैंक है। आज हमें सारे के सारे पीएसयू बैंक में एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड देखने को मिला, जबकि हमें कैनरा बैंक में लगभग 12% का एक डाउनसाइड देखने को मिल चुका है। इसने आज 194 के लेवल्स पे अपना 52 वीक्स लो बनाने के बाद 197 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। करंटली हम इसके ऑर्डर बुक में सेलर साइड में 85,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स को देख पा रहे हैं, जिस वजह से कल आपको इस स्टॉक में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम इसके स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलर साइड में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर को फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं और इसके टेक्निकल चार्ट में भी हमें इसके मेजर ईएमएल लेवल्स और वीवाप लेवल्स पे एक सडन डाउनसाइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कल भी हमें कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है और हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसडी इंडिकेटर में भी एक स्ट्रॉन्ग बियरिश क्रॉसओवर को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं, जिस वजह से कल आप इस स्टॉक को भी सेल साइड के लिए अपना वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। मेजर ग्लोबल इंडाइसेस जैसे कि डाउ 30, S&P 500 और नैस्टैक में एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड को देख सकते हैं, इस वजह से कल भी हमें मार्केट डाउनसाइड में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स की ओर रुख करते हैं तो ये अभी के करंट लेवल से लगभग 55 पॉइंट्स के आसपास अपसाइड में मूव कर रहा है और हम फॉरेक्स मार्केट में भी इंडियन रूपी में एक बुलिश ट्रेंड को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी कल मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिल सकता है और मार्केट हमें स्लाइटली डाउनसाइड की ओर भी मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम आज के टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो हमें आज निफ्टी में एक बहुत बड़ा बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दिया है। इसने आज अपने 9 डेज के ईएमएल लाइन को ब्रीच करते हुए डाउनसाइड में
10,797 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके RSI लेवल को करेंटली 40 के लेवल के नीचे देख सकते हैं, जिसमें कल हमें एक फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं, तो यहाँ पे करेंटली हम 10,750 के लेवल्स पे 1.35 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन हमें 10,700 के लेवल्स पे 8.95 लाख से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम कल के लिए इस लेवल को एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं, तो हमें करेंटली 10,800 के लेवल्स पे 6.51 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम इस लेवल पे 9.81 लाख से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। इस वजह से हम कल के लिए 10,800 के लेवल्स को एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रीच करने में कामयाब होता है, तो हमें ये 10,900 के लेवल्स की ओर मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसमें हम 25,58,000 से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देख सकते हैं, और इस लेवल पे भी हमें 19 लाख से भी ज्यादा कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम कल के लिए 10,900 के लेवल्स को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की ओर रुख करते हैं, तो यहाँ भी हमें निफ्टी की तरह ही एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन आज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम इसके RSI लेवल को भी करंटली 35 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं, जिसमें कल हमें फिर से एक डाउनसाइड कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा में हम करंटली 26,500 के लेवल्स पे 1,280 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं। इस लेवल पे हमें 3.74 लाख से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम कल के लिए 26,500 के लेवल्स को ही एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे हमें 27,000 के लेवल्स पे 4.29 लाख से भी ज्यादा कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम इस लेवल पे 5.16 लाख से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। इस वजह से कल के लिए हम 27,000 के लेवल्स को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी अपना इंट्राडे स्टॉक्स को पिक करने में काफी ज्यादा आसानी हो सके, और वो भी मार्केट के ट्रेंड को समझते हुए अपना इंट्राडे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।